नमस्कार, मैं हूं नवजोत। हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। भागती दौड़ती जिंदगी, किसी के पास समय नहीं है। हम सब भाग रहे हैं और समय भी भागता जा रहा है, और ऐसे में हम सब अपने भगवान की आराधना करना, यूं कहिए कि समय हमारे पास नहीं कि हम अपने इष्ट की आराधना करें, तो कैसे होंगे हमारे इष्ट प्रसन्न, कैसे हो चमकेगा भाग्य, ये सब आज हम आपको बताएंगे कुछ बीज मंत्रों के जरिए। और वो बीज मंत्र बताने के लिए सत्येन जी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है सत्येन जी। धन्यवाद। सबसे पहले ये बताइए कि इन बीज मंत्रों का महत्व क्या होता है। जी, बीज मंत्र का मतलब है बीज मंत्र, बीज अर्थात बहुत छोटे। तो बीज मंत्र एक तो बृहद मंत्र होते हैं जो 52 अक्षर तक जाते हैं, 60 शब्दों तक जाते हैं, लेकिन जो अत्यंत एक शब्द का मंत्र होता है उसे ही बीज मंत्र कहा जाता है। चलिए, तो फिर इसका मतलब हर इच्छा को पूरी करने के लिए अलग अलग बीज मंत्र होगा। बिल्कुल जी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें गुरु बीज मंत्र की, क्योंकि गुरु के बिना जिंदगी अधूरी है और सफलता बिल्कुल नहीं मिलती। बिल्कुल। तो गुरु ज्ञान भी देता है जी। कौन सा है बीज मंत्र इनका? गुरु बीज मंत्र अर्थात एम बीज को गुरु बीज कहा जाता है। जो एम बीज है वो देवी सरस्वती जी का बीज मंत्र है, जो विद्या बुद्धि और परीक्षा इत्यादि में हमेशा आपको सफलता देता है और सदैव उन्नति प्रदान करने वाला बीज मंत्र माना गया है। तो इस बीज मंत्र को धारण करने की विधि है कि सोमवार के दिन माँ सरस्वती जी के विग्रह की मूर्ति अथवा चित्र का आप विधिवत स्थापना करके विधिवत पंचोपचार पूजन आप संपन्न करके माता रानी को प्रसन्न कर सकते हैं। तो यदि संभव हो तो जिस दिन आपने बीज मंत्र की साधना करनी है उस दिन आप व्रत रखें, और यदि आप बिल्कुल निराहार नहीं रह सकते तो आप फलाहार दुग्ध पान इत्यादि का सेवन भी आप कर सकते हैं। तो शाम को पूजा स्थल पर सफ़ेद पुष्पों से एक चौकी बनानी है आपको, चौकोर बिल्कुल सफ़ेद रंग के पुष्पों से, और उसमें देवी माता का आवाहन करना है, और आवाहन करने के लिए जल की छींटे आप दे सकते हैं। फलों का प्रसाद देवी माँ को अर्पित कीजिए एक शुद्ध ताम्र पात्र की थाली में, और सफ़ेद या पीले रंग का कोई कंबल चुन लीजिए, उसे आसन के नीचे बिछाकर उस पर स्थित हो जाइए, बैठ जाइए, और फिर अपने मंत्र का आपको जाप करना है। और आपका मंत्र है एम, केवल एम। तो स्फटिक की माला लेकर के आपको 5 माला का एम बीज का मंत्र जाप करना है, और फिर इस बीज मंत्र को आप शहद और कुमकुम से भोजपत्र पर लिख दीजिए। तो ऐसा करने से देवी की कृपा अत्यंत शीघ्र आपको प्राप्त होती है, और जब ये प्रयोग हो जाए उसके पश्चात आप निरंतर लगातार मानसिक रूप से एम बीज का जप करके लाभ ले सकते हैं। बिल्कुल, और शक्ति भी चाहिए उसके लिए। क्या करें, कौन सा बीज मंत्र है उसके लिए? माँ शक्ति को प्रसन्न करने वाला जो बीज मंत्र है वो है रीम बीज। देवी दुर्गा जी इस रीम बीज की अधिष्ठात्री शक्ति मानी जाती है, जो समस्त शत्रुओं का नाश करने वाली देवी है। और यदि आप देवी को प्रसन्न करते हैं तो फिर तो कहना ही क्या, वो तो वरदानी है। तो मंगलवार का दिन आप चुन लीजिए, और मंगलवार के दिन ही देवी दुर्गा जी के विग्रह का आपको विधिवत श्रद्धापूर्वक स्थापन करके पंचोपचार पूजन करना है। धूप दीप अक्षत नैवेद्य इत्यादि अर्पित कीजिए, और संभव हो तो व्रत रखिए और फलाहार कीजिए। और जब संध्या हो जाए और तो संध्या के समय शाम को पूजा स्थल पर 5 घी के दिए आपको एक पंक्ति में कतारबद्ध रूप से माता रानी के विग्रह के सम्मुख जलाने हैं, और देवी माता का आवाहन करना है हाथ जोड़कर। और उसके बाद पंचमेवों का प्रसाद देवी माँ को आप अर्पित कीजिए, और उसे एक पात्र में पूजा स्थल पर ही रख दीजिए। काले रंग का कंबल का बिछाकर उस पर बैठ जाइए, और फिर अपने बीज मंत्र का जाप करना शुरू कीजिए। रीम आपका बीज मंत्र है, रीम। तो रक्त चंदन की माला लीजिए, और इसी माला से आपको 9 माला का मंत्र जाप करना है। और बीज मंत्र को शहद और कत्था दोनों आपस में घिस करके स्याही बनाकर उससे भोजपत्र पर इस बीज मंत्र को लिखने से देवी माता की अनन्य कृपा आपको प्राप्त होगी, और समस्त शत्रुओं का नाश होता है, और ये बीज भी अद्भुत रहस्य बीज माना गया है। शत्रुओं के नाश की आपने बात की है, तो काली बीज मंत्र कौन सा होता है, क्योंकि वहां भी शत्रुओं का नाश होता है, माँ काली की कृपा हो जाए तो? जी, आपने बहुत सुंदर बात कही। तो जो क्लीम बीज है वही काली बीज है, और क्लीम देवी कालिका का अनन्य उग्र स्वरूप वाला बीज है, जो शक्ति देता है, यश देता है, रोजगार और व्यवसाय इत्यादि में भी उन्नति देने वाला और समस्त प्रकार की बाधाओं को नष्ट करने वाला माना गया है। तो इसका विधान यह है कि शनिवार के दिन आपको माँ कालिका के एक सौम्य स्वरूप के या दिव्य स्वरूप के उनके विग्रह के स्थापन को आप करेंगे। जैसे एक चित्र ले लीजिए, उस चित्र को चुनरी से ढककर आप स्थापित करेंगे, और मूर्ति भी है तो उस पर भी आप इसी प्रकार करेंगे। संभव हो तो व्रत रखना ना भूलें, क्योंकि ये बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है, और फलाहार करना श्रेष्ठ माना जाता है। शाम को पूजा स्थल पर आप नारियल और सिंदूर रख करके देवी माँ का आवाहन करेंगे, और उसके पश्चात भगवती को प्रसन्न करने के लिए, उन्हें उनकी साधना करने के लिए आप पूजा स्थल पर ही नारियल सिंदूर इत्यादि स्थापित करके माता को मन ही मन उनको आवाहन कीजिए, बुलाइए, और अपने कंबल का आसन बिछा दीजिए, भगवती को प्रसाद अर्पित कीजिए गुड़ और चने इत्यादि का। फिर उनके बीज मंत्र का जो क्लीम बीज है उसी का आपको मंत्र जाप करना है। तो इसका विधान ये कि रुद्राक्ष की माला आपको लेनी है, और क्लीम बीज का आपको मंत्र जाप करना है 9 माला। तो हृदय के पास माला रख करके इस मंत्र का आप जाप करेंगे, और उसके पश्चात सिंदूर
लेकर के भोजपत्र पर आप इसी बीज मंत्र को लिख लीजिए और माता रानी को हाथ जोड़ करके प्रणाम निवेदित कीजिए। तो ऐसा करने से भगवती प्रसन्न होती है और आपके समस्त अभिष्ट कामनाओं में आपको वरदान देने वाली होते हैं। आगे बढ़ते हैं, अभय बीज मंत्र की बात करते हैं, ये क्या है? अभय का मतलब है निर्भय, जहां आपको किसी प्रकार का भय ना रहे। तो अगर आपको किसी भी तरह का भय लगता है तो उसके लिए भम नाम का बीज है, जो भैरव देवता का बीज है। तो भैरव इसके अधिष्ठाता देवता माने गए हैं, जो समस्त ग्रह बाधा, भूत बाधा, तंत्र बाधा का नाश करने वाले हैं। और ये मंत्र अचूक मंत्र और अकाट्य मंत्र भी कहा गया है। इसका विधान है कि शुक्रवार अथवा शनिवार में से किसी भी एक दिन भैरव देवता के विग्रह का आप स्थापन करेंगे, फिर पंचोपचार पूजा उनकी विधिवत संपन्न करेंगे और संभव हो तो उस दिन भी आपको व्रत ही रखना चाहिए। तो शाम को जब ये संपूर्ण पूजा क्रम आपका समाप्त हो जाए तो पूजा स्थल पर ही एक छोटा सा त्रिशूल स्थापित करना है आपको भैरव की प्रतिमा के सामने, और फिर वहीं पर भैरव देवता का मानसिक रूप से आवाहन करना है। लड्डू का प्रसाद बनाकर भैरव को आप अर्पित कर दीजिए और फिर लाल रंग का कंबल चुनकर उसका आसन बनाकर उस पर स्थित होकर के भम बीज मंत्र का आपको जाप करना है। तो हकीक की माला या रुद्राक्ष की माला में से कोई भी माला लेकर आप पांच माला का मंत्र जाप करेंगे। तो बीज मंत्र को यदि आप कपूर मिश्रित स्याही से लिखते हैं, किसी भी स्याही में यदि आप कपूर मिलाकर उसे लिखते हैं भोजपत्र पर, तो इससे ये मंत्र उत्कीलित होता है और भैरव की कृपा आपको शीघ्र प्राप्त होती है। शांति भी बहुत जरूरी है, जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था कि भागती दौड़ती जिंदगी है, भगवान की आराधना तभी सफल हो पाएगी अगर मन में शांति हो। उसके लिए क्या करें, और ये सबसे जरूरी बीज मंत्र है। बिल्कुल, आपने बहुत सुंदर बात कही, क्योंकि शांति बीज स्त्रीम नाम का बीज है। ये जो स्त्रीम बीज है इसे कालांतर में या प्रत्यंतर मतम में क्रींग भी कहते हैं या स्त्रींग भी कहते हैं। तो आपको मैं स्त्रीम बीज बता रहा हूँ। तो स्त्रीम बीज देवी तारा का बीज है, इसे स्त्रींग कारिणी भी कहा जाता है, जो दाम्पत्य सुख देने वाली, कलह का नाश करने वाली और जो भी कार्य आप कर रहे हैं उसमें पूर्ण संतुष्टि देने वाली और मनोविकास करने वाली देवी मानी गई है। तो बुधवार अथवा रविवार का दिन आप चयन कर सकते हैं भगवती की साधना के लिए और देवी तारा का विग्रह आप स्थापित कीजिए, पंचोपचार पूजा कीजिए धूप दीप अक्षत नैवेद्य इत्यादि से, और व्रत रख सकते हैं तो आप व्रत रखिए, फलाहार कीजिए, और संध्या होने पर पूजा स्थल पर आप तीन जल से भरे पात्र, जैसे तीन लोटे ले लीजिए और उन तीनों लोटों को एक साथ देवी माता के चित्र के सम्मुख स्थापित कर दीजिए और फिर मन ही मन मानसिक रूप से भगवती का आवाहन कीजिए। फलों का प्रसाद काट कर छोटे छोटे टुकड़े करके फलों का वही प्रसाद देवी भगवती महाविद्या तारा को अर्पित कीजिए और फिर काले अथवा पीले रंग के कंबल का चयन करके उस पर बैठकर आपको मंत्र जाप करना है। तो मंत्र है स्त्रीम, लेकिन आप स्त्रींग कह के भी इसका जाप कर सकते हैं। तो रुद्राक्ष की माला से मंत्र का आपको सात माला का जाप करना है, और जब ये जो बीज मंत्र है इसे यदि नीले रंग से आप लिखते हैं, क्योंकि भगवती का नाम नील तारा भी है कहीं, तो नीले रंग से यदि भोजपत्र पर लिखते हैं तो तारा महाविद्या की कृपा शीघ्र आपको मिलती है और हमेशा आपका मन प्रसन्न, प्रफुल्लित और आनंद से विभोर रहता है। बीज मंत्रों की हम बात कर रहे हैं क्योंकि बड़े मंत्र हम उच्चारण नहीं कर सकते, समय की कमी है, तो कुछ ऐसे बीज मंत्र जो भाग्य को भी संवारेंगे, किस्मत भी अच्छी होगी और साथ ही साथ आपके इष्ट भी हो जाएंगे प्रसन्न। योग बीज मंत्र की बात करें। जी, जो योग बीज मंत्र है इसे योग माया का बीज कहा जाता है। तो योग माया का बीज है क्रीम। तो क्रीम ही प्रमुख मंत्र माना गया है, जो वशीकरण देने वाला, स्वस्थ रखने वाला, रोग मुक्ति देने वाला और सभी तरह से आपकी तेज और तेजस्विता को बढ़ाने वाला माना गया है। तो इसका विधान है कि मंगलवार के दिन देवी योग माया के विग्रह का आप स्थापन करें। यदि देवी योग माया का चित्र आपको न मिले तो आप माँ पार्वती के अथवा माँ दुर्गा के चित्र से भी इस प्रयोग को कर सकते हैं। तो भगवती का पंचोपचार पूजन आप विधिवत कीजिए, संभव हो तो व्रत रखना ना भूलें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ प्रयोग माना जाता है। संध्या जब हो जाए तब पूजा स्थल पर पीले रंग का एक साफ वस्त्र, जिसका पहले प्रयोग आपने न किया हो, उसे बिछाकर उसी पर आपको फल रखने हैं, लेकिन ये फलों को आप काटेंगे नहीं, पूरे के पूरे फल रखकर आप भगवती को अर्पित करेंगे और फिर योग माया का आवाहन करके भगवती को मिठाई का प्रसाद अर्पित करेंगे। फिर अपना लाल रंग का कंबल ले लीजिए और उसका आसन बनाइए, उसी पर बैठकर मंत्र का जाप कीजिए। क्रीम, भगवती का क्रीम बीज मंत्र है, केवल क्रीम। तो स्फटिक की माला से आपको नौ माला का मंत्र जाप करना है। तो बीज मंत्र को आप लाल रंग से, किसी भी तरह के लाल रंग से भोजपत्र पर यदि लिख देते हैं, साधारण स्याही से भी, तो योग माया की कृपा होती है और आपके समस्त कार्य बनने लगते हैं, आपकी तेजस्विता वो लगातार बढ़ती ही रहती है। और अब एक ऐसा बीज मंत्र जिसके पीछे सब लोग भाग रहे हैं लेकिन माँ कृपा नहीं कर रही है, जिसके पीछे सारी दुनिया हम कहें भाग रही है, माँ लक्ष्मी की अगर हम बात करें, बहुत सुंदर, तो माँ लक्ष्मी की कृपा कैसे हमको मिलेगी? देवी महालक्ष्मी जी का लघु बीज है श्रीम, जिन्हें श्रृंगकारिणी भी कहा जाता है। तो श्री महालक्ष्मी बीज है जो आपको अखंड धन धान्य, लाभ और संपत्ति सुख देने वाला है। कर्म कीजिए और साथ में ये साधना कीजिए। गुरुवार के दिन देवी महालक्ष्मी जी का विग्रह लाकर उसे स्थापित कीजिए
और उनको चुनरी चढ़ाइए, श्रृंगार की सामग्री दीजिए, पंचोपचार पूजन कीजिए और उस दिन भी व्रत कीजिए, फलाहार कीजिए। शाम को संध्या होने पर पूजा स्थल पर देवी लक्ष्मी जी के सम्मुख एक अखंड दिया आपको जलाना है, वह पुष्प आपको अर्पित करने हैं। तो देवी को खीर का प्रसाद बना करके आप विशेष तौर पर अर्पित कीजिए और लाल रंग का कंबल चुनिए, उसी पर जो भूमि से थोड़ा ऊंचा हो उसी पर बैठ कर स्थित होकर आपको मंत्र का जाप करना है। आपका मंत्र है श्रीम। तो कमल गट्टे की माला, जो कमल के बीज होते हैं उनकी मनकुस की जो माला है उसी से आपको महालक्ष्मी जी के बीज मंत्र की 7 मालाओं का जाप करना है। तो बीज मंत्र को यदि आप रक्त चंदन से भोजपत्र पर लिखते हैं तो आप पर महालक्ष्मी की कृपा होती है और निरंतर आप जब ये साधना भी हो जाए तो लगातार इस मंत्र का जाप करते रहेंगे तो भगवती की कृपा से आपके समस्त कार्य बनने लगते हैं। बीज मंत्र ये क्या होता है और कैसे हमारी रक्षा करता है? जैसे कि नाम से विदित है, रक्षा बीज जो समस्त बाधाओं से आपकी रक्षा करेगा, हर जगह आपकी अकाट्य रक्षा करेगा और कवच देगा। तो हलीम ये बीज मंत्र है जो देवी बगलामुखी जी का बीज मंत्र है, जो आत्मरक्षा व पारिवारिक रक्षा आपको प्रदान करने में सर्वसमर्थ बीज शास्त्रों के अनुसार प्रदत्त है, जो दिया गया है। तो इसका विधान है कि गुरुवार के दिन देवी माँ बगलामुखी के विग्रह का स्थापन कीजिए, जिन्हें पीताम्बरा कहा जाता है, और उनका विधिवत पंचोपचार पूजा कीजिए। तो पीले रंग की चीज़ें अधिक अर्पित उनकी कीजिए, पीले फूल, अक्षत भी पीले रंग में रंगे हुए, संभव हो तो उस दिन भी आप व्रत रखिए और फलाहार कीजिए। संध्या जब हो जाए तो पूजा स्थल पर गूगल जला करके देवी को गूगल की धुनी देनी चाहिए और उसी धुनी के मध्य में ही भगवती पीताम्बरा का आपको आवाहन करना चाहिए। मेवों और फलों का प्रसाद देवी माँ को अर्पित कीजिए, पीले कंबल का ही आसन लीजिए, उसी पर स्थित होकर के हलीम बीज मंत्र का आपको जाप करना है। तो इसके लिए स्फटिक की माला अथवा रुद्राक्ष की माला को श्रेष्ठ माला कहा गया है, इसी माला का चयन करके आप 8 माला का जाप कीजिए और बीज मंत्र को हल्दी और शहद को मिश्रित करके भोजपत्र पर लिखने से ये मंत्र उत्कीलित होता है और माँ पीताम्बरा आपकी रक्षा करती है और सर्व शत्रुओं का भी साथ ही साथ स्तंभन करते हुए आनंद प्रदान करने वाली है। चलिए आखिर में जागरण बीज मंत्र क्या है? ये जागरण बीज मंत्र इसका मतलब है जो आपके भीतर समस्त तेजस्विताओं को जागृत करे। तो हुम वो बीज मंत्र है और इसके अधिष्ठाता नायक देवता स्वयं महादेव देवादिदेव भगवान शिव हैं, जो सम्मोहन, तेज और व्यक्तित्व विकास के साथ साथ सर्व सामर्थ्य प्रदान करने वाले इष्ट कहलाते हैं। तो सोमवार का दिन उनका श्रेष्ठ दिन है भगवान शिव का, तो उसी दिन का चयन कीजिए और भगवान शिव के विग्रह का स्थापन कर पंचोपचार विधिवत पूजन करना चाहिए और यदि संभव हो तो व्रत इत्यादि रखकर फलाहार करने के बाद आप रुद्राभिषेक कर सकते हैं। तो शाम को पूजा स्थल पर शिवलिंग स्थापित करके पंचामृत से ही आप रुद्राभिषेक करें अथवा उनका स्नान करवा दीजिए। तो मीठी रोटी का प्रसाद बनाकर महादेव को अर्पित कीजिए, उनके गणों को अर्पित कीजिए, नीले कंबल के आसन पर स्थित होकर इस मंत्र का जाप कीजिए। आपका मंत्र है हुम, हुम बीज मंत्र। तो रुद्राक्ष की माला से 7 माला का मंत्र जाप आपको करना है और हरे रंग से भोजपत्र पर यदि आप हुम बीज लिखते हैं तो इससे भगवान महादेव के अनन्य कृपा प्राप्त होती है और उनके गण सदैव आपकी रक्षा करके उन्नति प्रदान करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सतीन जी, आप यहाँ पर आए और तमाम बीज मंत्रों के बारे में आपने जानकारी दी।